थोड़े से क्रुकेड है नीचे से, जो कि बहुत वियर्ड लगते हैं। काफ़ी लोग नहीं नोट करते लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है क्योंकि मेरी आई एम जस्ट नॉट लाइक आई रियली वॉन्ट माई टीथ टू बी फिक्स्ड। तो अभी मैं एक डेंटिस्ट विजिट करके आई, मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था और आप पूछ रहे थे मैं कहाँ गई थी। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से अपने दांत अलाइन करवा रही हूँ और कैसे हो रहे हैं, सारी जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये है वो जगह जहाँ से मैंने अपने दांतों का प्रोसेस करवाया था। इस वक्त मेरे दांतों की प्रॉपर स्कैनिंग हो रही है, एक ईच एंड एवरी सिंगल टीथ जो है वो इज गेटिंग स्कैन्ड। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका कोई भी दांत मिस ना हो जाए। अगर आप गौर करें तो पीछे एक मॉनिटर है जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे दांतों को साथ साथ देख रहे हैं और साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ स्कैन कर रहे हैं। पिछले साल जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपने दांत पाकिस्तान से ठीक करवाने, क्योंकि ऑब्वियसली देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन कॉस्ट एंड एवरीथिंग, तो आई एम सो ग्लैड दैट आई चूज डेंटल एस्थेटिक्स बिकॉज इनकी पूरी टीम मिल के बैठती है, आपके दांतों को मॉनिटर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या प्रॉपर सोल्यूशन है जो कि आपके लिए बेस्ट वर्कआउट करेगा। ये पर्पल क्या है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर डूइंग डेंटल वाइटनिंग, इन्होंने मेरी वाइटनिंग की थी दांतों की, इट वॉज इंक्लूडेड इन द पैकेज एंड इसके बाद मेरे दांत इतने वाइट और क्लीन हो गए थे ना, ओह माय गॉड। लेकिन जरा देखिए कितने टेढ़े मेढ़े हैं, स्पेशली नीचे वाले दांत किस कदर टेढ़े हैं। और मेरा बाइट का भी बहुत इशू था, मेरी जबान बहुत ज़्यादा मेरे दांतों में आती थी, उसका यही आई थिंक रीज़न था कि मेरे दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे, स्पेशली बॉटम टीथ। और मेरे फेस की एक आई थिंक लुक भी थोड़ी सी क्रुकेड थी मुझे लगता है, आई मीन मुझे तो बहुत सारे फ्लॉज, ऑब्वियसली आपको अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। यहाँ पे अब ये मेरे दांतों का इम्प्रेशन ले रहे हैं। कभी ऐसे दांत ही बाहर आ गए पेशेंट के? नहीं, यहाँ पे मैं बहुत फनी लग रही हूँ। उसकी वजह यह है कि ये मेरे दांतों की पिक्चर्स ले रहे हैं फ्रॉम एवरी एंगल। दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि कोई भी स्पॉट मिस ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद मेरी अलाइनर्स जो होंगे, जो कि जैसे ब्रेसेस होती हैं उसी तरह क्लियर अलाइनर्स होते हैं, रिमूवेबल अलाइनर्स, वो मेरे बनने थे, तो इसीलिए वो मेरे दांतों की पिक्चर्स ले रहे थे। और मैंने ये स्टेप इसलिए शेयर किया कि मुझे बहुत फ़नी लगता है। और अब आपके साथ आगे जाके मैं वो वाले भी पार्ट शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे मेरे दांत इन्होंने निकाले थे। इट वॉज अ पेनफुल तो नहीं कह सकते क्योंकि मुझे नम कर दिया था, लेकिन इट वॉज अ वियर्ड, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट फॉर माई रेकर्ड, आई वॉन्टेड टू शो इट टू यू कि जब इन्होंने मेरे दांत निकाले थे मेरे मुँह के अंदर से तो कैसे थे। ये भी बड़ा फनी सा स्टेप था, लेकिन इसमें बस ये मिरर रख के मेक श्योर कर रहे हैं कि मेरे बॉटम वाले टी जो हैं उनकी भी फोटोज़ सही तरीके से आ जाए। देखिए कितना ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी थॉरो एंड वेरी लाइक क्लीन, एंड आई कैन नॉट जस्ट अप्रिशिएट दैम इनफ। दे आर, इट्स अ वेरी गुड टीम यू गाइज, आई कीप ऑन सेइंग इट, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, दे डू नॉट पे मी, आई पेड फॉर माई प्रोसेस, ठीक है। लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट बिकॉज इट इज़ अ गुड क्लिनिक, एंड दांतों का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, तो किसी ऐसी वैसी जगह पर जाके आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक आई हाईली रिकमेंड कि आप ऐसी किसी जगह पर जाएँ जहाँ पे आपका सही इलाज हो सके आपके दांतों का। अच्छा, तो आई वॉज फ्रीकिंग आउट कि मुझे बहुत दर्द होने वाली है, लेकिन ऑनेस्टली इंजेक्शन की बस एक पिंच हुई थी और उसके बाद वो नम हो गया तो मुझे पता भी नहीं चला। और उसके बाद जो दांत निकलने का प्रोसेस था ना, वो बस थोड़ा सा अनोइंग था, ऐसे कि मुझे पता चल रहा था कि दांत निकल रहा है, दर्द नहीं हुई, तो यू नो फिर वो एक वियर्ड सी फीलिंग होती है। अदर देन दैट इट वॉज नॉट टू बैड एट ऑल। और बेसिकली नम होने के बाद मुझे महसूस नहीं हुआ। इसका क्लिप मैं नहीं डाल सकी, दूसरे वाले दांत का क्लिप मैं डालूंगी, एंड दैट्स डॉक्टर मिर्ज़ा। मेरा एक टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है अभी, और ये वाला, और अभी मुझे बैड न्यूज़ पता चली है कि मेरा ये वाला भी एक्सट्रैक्ट होना है। आई डोंट नो हाउ आई गोना डील विद दैट, आई एम गोना लुक सो फ्रिकिंग अगली, बट आई गेस दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। सो ये वाला जो निकला, डॉक्टर टोल्ड मी नॉट टू लुक एट इट बिकॉज आई एम गोना फ्रीक आउट, माई लोअर लिप इज नम, एंड या आई एम हेडिंग होम राइट नाउ, जस्ट गॉट अ हेयर कट, इट लुक्स सो प्रिटी, but like I'm freaking out. So मेरा एक और दांत निकाल रहे हैं मेरे वाला, and I'm not happy about it, but he says that it's gonna give me some, it's for my own good, and it's gonna look really good in the end. So and she's holding it. Varisha क्या नाम है इनका? Varisha? The other doctor, Ariba. Jinder? पता नहीं क्या नाम है इनका. अच्छा, बड़ा अभी तो दर्द हुई थी।
कब हुई थी? बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं जा रहा है, टाइट है। जाएगा ना, पीछे कर। ओह गॉड, हाँ like something is holding my, I'm gonna talk like this now. Simpson family लग रही। नहीं नहीं नहीं। Okay, it's weird, Sana, but you got this, you got this, you got this. इधर से मुझे लगता है मैं इसको तोड़ दूँगी खा खा कैसे? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि मैं grind करती हूँ सोते बिना। आपको इसका फायदा? अच्छा, grinding में फायदा? अच्छा एक चीज़ का, ये जो है ना, इस snugly fit होना चाहिए। इसके और इसके दरमियान कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? ध्यान रखना। Can you see there's no space now? Yeah. Every liner you wear, you must put it all the way up. हाँ. Okay. अच्छा और डॉक्टर साहब एक और बात। यहाँ पे अपने हाथ रखना। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, रोजे की हालत में। पहले रखे रोजे हैं इसको क्या है? है ना, इसमें कौन सा फ्लेवर है? ठीक है। Oh no! My finger is out. Okay. Hopefully, I'm still in the original. You first from this side. ठीक है, पहले आपने इस साइड पे उसको अच्छी तरह बिठा के सीट करवाना है और उसके बाद इन पे आएंगे। मिडिल में एंड पे आना है। मिडिल और इस साइड पे बेसिकली इन पे आएंगे। पहले आपने इस साइड को बिठाना है, हां, फिर मिडिल पे और फिर इस यानी कि जहां दांत पे, क्योंकि मेरा बॉटम इन सीजर यानी कि बॉटम मिडिल वाला टूथ आउट था और वो नजर आता था लाइनर्स में से, तो मैंने लाइनर के अंदर व्हाइट कलर की नेल पॉलिश लगाई और डॉक्टर मिर्जा वाज सो इंप्रेस्ड, कहते ओह माय गॉड दैट इज सच अ गुड सॉल्यूशन, सो दैट्स व्हाट आई डिड, ताकि मेरा वो गैप नजर ना आए और बुरे ना लगे दांत, और उसकी वजह से काफ़ी कवर हो गया, तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलता था कि नेल पॉलिश लगी हुई है। तो मिडिल वाला जो बॉटम टूथ निकला तो ये ऐसी शक्ल लग रही थी, फल्ला मैं कैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ ये, और मेरी जो दाढ़ थी वो भी निकली हुई थी ताकि सारे दांत अपनी जगह पर आ जाएं, और इसलिए इन दांतों को निकाला गया। सो दिस माय फर्स्ट डे विद द ब्रेसेस ऑन, आई हैव अ लॉट ऑफ लिस्प व्हिच मींस दैट आई कैन नाउ लेस, जो एस की साउंड है इट्स नॉट एज क्लियर, इट्स नॉट अनकंफर्टेबल, It's a little weird, I'm not gonna lie, but I think from what I've heard about braces, I think it's so much better than getting braces. So I think it's all worth it in the end. अभी तरह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन के बाद में इंशाल्लाह होपफुली आई गेट यूज टू इट। मेरे पास ऑलरेडी जो हैं सारे ब्रेसेस आ चुके हैं, इग्नोर माई नेल कलर, 25 ब्रेसेस हैं जो मुझे हर 14 दिन के बाद चेंज करके, तो अब जैसे मैंने फर्स्ट वाला, इन्होंने पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिया, दे स्टार्टेड मी आउट विद द सेकेंड वन, और अब ये सारे मैंने यूज़ करने हैं, एवरी 14 डेज में चेंज करूँगी अप टू 25, ये मेरा लास्ट वाला होगा, सो होपफुली बाय देन माय टीथ विल बी अलाइन। आज पाकिस्तान में मेरा सेकेंड लास्ट डे है और मैं अपने डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ कि मुझे अलाइनर्स पिक करने हैं, तो वाई ब्लॉक में ये मेरा डेंटिस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 मिनट की ड्राइव पर है, लेकिन ये है कि आज बहुत गर्मी है, उफल्ला में गाड़ी आके बैठी हूँ, आई कैन फील द हीट, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वाली गर्मी जो होती है वो आना शुरू हो गई है, बट या अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड सो मच फन इन पाकिस्तान, बट आई एम ऑल्सो रेडी टू गो बैक होम एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। डॉक्टर मिर्जा इज़ वेरी नाइस, डॉक्टर शहजाद मिर्ज़ा, मैंने उनको बस एक दिन पहले बताया कि मेरा नीचे वाला अलाइनर फॉर सम रीज़न क्रैक हो गया है, जो कि यूजुअली होता नहीं है, शायद मुझे अपने टीथ ग्राइंड करने की आदत है, आई जस्ट ब्लेम इट टू माई सेल्फ, और पता नहीं क्या रीज़न है, या मुझसे सही से एक दिन टेक केयर नहीं हो सकी, इट्स माई फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे एक दिन में अर्जेंटली जो मेरा नंबर 2 ट्रे है, आपको मैं पूरा एक प्रोसेस बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ग्लो बाय सना, सो आई हैव बीन बैक फ्रॉम यूनाइटेड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ नाउ, मुझे आने के बाद एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा और अभी भी मैं एडजस्ट हो रही हूँ स्लोली, बट मैंने क्विकली रैप अप करनी थी एक वीडियो जो कि मैंने थोड़ी स्लोली बनाई अपनी जर्नी की, जो मैं अपने दांत ठीक करवाने की कोशिश कर रही हूँ उसकी जर्नी की, आप लोगों को पता ही है कि मैंने इन्वेजिलान, मैंने काफ़ी दफ़ा स्टोरी में जब मैं पाकिस्तान में थी लाहौर में थी डिस्कस किया था कि मैंने डेंटल एस्थेटिक्स लाहौर से
कि मैंने अपने दांत ठीक करवाने थे. इट वॉज माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी. आई नेवर लाइक माई बॉटम टीथ. मेरे ऊपर वाले इतने बुरे नहीं थे, मेरे ठीक थे लेकिन एज यू कैन सी, बट मेरे बॉटम टीथ वर लाइक वेरी लाइक आई नेवर लाइक देम. आई हेटेड माई बॉटम टीथ. मेरी वीडियोज़ में मुझे बहुत फील होता था, और स्पेशली जब मैं वेट लूज करती हूँ मेरा मुंह पतला होता था, तो मुझे अपने बॉटम टीथ ज़्यादा क्रुकेट लगते थे. तो एनी वेज मैंने डिसाइड किया कि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊँ, क्योंकि अमेरिका में डेंटल, अगर आप इफ यू लिव हियर यू गाइज नो दैट इट कॉस्ट सो मच. इट कॉस्ट अराउंड लाइक फॉर मी दे गेव मी अ कोट फॉर लाइक $6,000-$7,000. सो आई डिसाइडेड टू गेट इट डन इन पाकिस्तान बिकॉज इट्स फेयरली इकोनॉमिकल ओवर देयर. एंड या सो I went to Pakistan and I got different cords. This clinic was very close to my heart. It had good reviews. And I was like, okay, let's go for it. So, what they gave me is clear braces, which I'm wearing right now. You cannot see. Clear braces वो होते हैं जो कि अब metal की तरह नहीं होते. Metal के लिए आपको बार बार उसको tighten कराना पड़ता. Obviously, मुझे एक डेढ़ महीने के अंदर वापस आना था पाकिस्तान से, तो मैं अपने braces tight नहीं करवा सकती थी. वैसे भी जो clear aligners होते हैं वो new, it's a new thing. And it really helps your straighten up your teeth. तो मैंने ये लगवाया है, और आपको शायद मेरे बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि एवरी टाइम जब भी मैं अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ मेरा थोड़ा सा लिस्प आ जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल. आप लोगों को अगर इनविजिलाइन या स्माइल डायरेक्ट के बारे में पता हो, आपको पता होगा, तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग, इट्स जस्ट हैज अ डिफरेंट ब्रांड नेम. आई थिंक इट्स क्लोजर टू स्माइल डायरेक्ट. बट सो आई गॉट दिस डन एंड मैं गई, मैंने कोट लिया. मुझे इतना सस्ता भी नहीं है पाकिस्तान में. डोंट थिंक इट्स वेरी चीप, बट इट इज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स इट्स वेरी इकोनॉमिकल. आई एम नॉट गोना लाई, ठीक है. बट अगेन आई एम सो फार अवे फ्रॉम द डॉक्टर. डॉक्टर ने मेरे दांतों के इंप्रेशन लिए, जो कि वीडियोज में अभी सारी डालती हूँ उसके अंदर. आई वेंट टू माई फर्स्ट विजिट वेयर दे गिव मी फ्री व्हाइटनिंग, फ्री दे होल पैकेज इंक्लूडेड व्हाइटनिंग, क्लीनिंग ऑफ द टीथ, एक्सरेज, एवरीथिंग, इंप्रेशन. एंड देन दे सेंड आपके एक्सरेज और आपके इंप्रेशन लेके वो सेंड कर देते हैं, और फिर वो आपके एक पूरा तैयार होकर आता है, सिर्फ आपका एक पूरा वो प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से आपकी पूरी जर्नी होने वाली है दांतों की. ऑब्वियसली कोई छोटा प्रोसेस नहीं है. तो जाता है, उसके बाद वो वापस आते हैं आपके अलाइनर्स बनके, और आपकी दांतों की सिचुएशन के हिसाब से आपको मिलते हैं. इनके अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अलाइनर्स मिलेंगे. 2 वीक्स से मिलेंगे, वीक्सली मिलेंगे. मुझे 2 वीक्स के मिले. एवरी 2 वीक्स मुझे अपने अलाइनर्स चेंज करने पड़ते हैं, और एक दो दिन के लिए मुझे फील होता है थोड़ा टाइट है, फिर उसके बाद मैं यूज्ड, अब तो मैं बहुत यूज्ड हो गई. दिस इज माई फोर्थ अलाइनर एक्चुअली, कुछ दिनों में फिफ्थ होने वाला है. और एक दो अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, लेकिन अलाइनर्स के ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकते. आप कुछ खा भी नहीं सकते पानी के अलावा. इसको उतारना पड़ता है, दिन में 22 घंटे आपको इसको लगा के रखना पड़ता है, विच आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जंक नहीं खाती. हर वक्त मुंह मेरा नहीं चलता रहता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से. लेकिन कुछ लोगों को हो सकती है, क्योंकि मेटल ब्रेसेस से आप खाना खा सकते हैं, क्लियर लाइनर्स के साथ आप खाना नहीं खा सकते, दैट्स फॉर श्योर. देखिये लाइनर्स मैंने पहने हैं, और इधर से लिपस्टिक लग गई है, और जो नीचे वाला जो दांत गायब है, यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगा के इसको थोड़ा सा कवर किया हुआ, अदरवाइज गैप नजर आता है. आई डोंट लाइक इट. आई हेट दैट. आई डोंट नो व्हाई मिर्ज़ा, डॉक्टर मिर्ज़ा, व्हाई डिड यू डू दैट? माय डॉक्टर इज वेरी नाइस, ही इज कनेक्टेड विद मी ऑन व्हाट्सएप. आई हैव ऑल ऑफ माय अलाइनर्स व्हिच आई एम गोना शो यू. 25 के 25 अलाइनर्स मेरे पास हैं. तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने दांत ठीक करवाना, अगर आपको मेरे दांत पसंद आ रहे हैं, अभी तक तो कोई खास प्रोग्रेस ऐसा नहीं नजर आ रही. चौथा सेट है, फोर्थ सेट ऑफ अलाइनर मैंने पहना है. एवरी 2 वीक्स के हिसाब से मैं चेंज करती हूँ अपने अलाइनर्स. तो आई थिंक होपफुली बाय द मिडल ऑफ इट आई अपडेट यू गाइज अगेन, तब आप लोग देखेंगे थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी होगा. मैं अपनी वीडियो भी इंसर्ट करूंगी जिसमें आपको मेरे दांत जैसे हैं अभी टेढ़े उससे ठीक सीधे होते हुए भी नजर आएंगे. सो इट्स वेरी कूल. क्लिनिक इट्सेल्फ इज वेरी गुड, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन. इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल गंदा क्लिनिक. कोविड शोविड लगने का कोई उन पर खतरा नहीं, क्योंकि दे आर वेरी हाइजीनिक. द होल स्टाफ इज वेरी फ्रेंडली. They give you the time and attention that you need and deserve. So I highly recommend you guys going to the Dental Aesthetics in DHA Lahore. I'm going to put their address and everything in the description box. Below by Sana ko mention kijiyega. Unhe batayega ki aap unke reference se hain. To ho sakta hai aapko koi discount bhi mil jaye. Quickly wrap this video up because Ramzan ki wajah se mujhe time nahi mila. Aur haan, ye aap Ramzanon mein pehen sakte hain kyunki isme kuch nahi hai aisa ki aap na pehen sakein. To Ramzanon mein it's okay to wear it. And main aapko doctor ki bhi wo clip add karungi jisme maine unse pucha hai. क्या हम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते. तो या लेट्स कंटिन्यू टू वॉच कैसे मेरा पूरा प्रोसेस हुआ था, ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे एंड होने वाला है. इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आगे भी आपको पता चल सके कि मैंने कैसे ये पूरा प्रोसेस फिनिश किया और कैसे मेरे दांत एंड पे लग रहे हैं. So I'm very excited. I cannot wait, inshallah. Very important thing that I forgot to mention is that you have to
जो मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि आपको ये जो अलाइनर्स हैं 22 hours a day पहनने हैं, सिर्फ आप खाने के वक्त उतार सकते हैं, और हाँ वजू करने के लिए भी आप ऑब्वियसली उतार सकते हैं, और शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है उतारने और पहनने में, लेकिन देन यू गेट यूज टू इट एंड इट्स सुपर ईजी, इट्स नॉट एज हार्ड, ट्रस्ट मी. और अदर देन दैट, क्या मैंने आपको बताना था, दैट या ऑब्वियसली यू नॉट ईट, गर्म चीज़ें नहीं पी सकते, पानी पी सकते हैं, और अगर बाहर हैं तो प्लीज़ मेक श्योर खाएं, और अपने कोई जिप लॉक या अपना कोई, मेरे पास तो हमेशा इसका केस होता है जिसमें अपने अलाइनर्स को रखती हूँ और इनको कीप देम क्लीन. मैं क्या करती हूँ, मेरी क्या रूटीन है कि मैं इसके ऊपर से एक दफ़ा ब्रश करती हूँ लाइटली, जोर से नहीं, क्योंकि अपने अपने अलाइनर्स को ख़राब नहीं करना, और उसको उसको उतार के उसके बाद अपने दांतों को ब्रश करती हूँ. और टूथपेस्ट जो है सेंसोडाइन वर्क्स द बेस्ट, सेंसोडाइन यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है. पीछे वाला भी दांत मेरा निकला हुआ है, हालांकि ये वाला भी निकला हुआ है, विच आई हेट, व्हाई आई डोंट नो व्हाई. You can always talk to your dentist. I wish I had done a little bit of more research before getting it done. But मेरे डॉक्टर ने मुझे, जो डॉक्टर मिर्जा, उन्होंने मुझे ये बताया था कि इसके निकलने का ये फ़ायदा होगा कि मेरे दांतों को जो कि क्राउडेड हैं स्पेस मिलेगी और वो अपनी जगह पर आ जाएंगे. सो या मैंने क्विकली, मुझे याद आया, मैंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं ज़रा ये जल्दी से मैंशन कर दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ. सो या लेट्स कंटिन्यू. तो अब एक साल का पूरा अरसा गुजर चुका है, मैं अपने रूम में देखे वापस आ गई हूँ, मैं फिर से पाकिस्तान आई हुई हूँ, और इतफाक़ की बात है मेरा कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान आने का, लेकिन एक अच्छी बात होगी क्योंकि आई गेट टू शेयर विद यू कि अब क्या मेरे दांत कैसे लगते हैं साथ के बाद, पूरी वो जो ट्रेज और वो जो दांत निकलवाने का सिलसिला क्या, उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से. चले मैं आपको अभी बताती हूँ. तो ये है मेरे दांत, 1 2 3. याद है वो जो बड़ा सा गैप था दांतों के बीच में, और यहाँ पे साइड पे, वो सब मेरे अपने दांतों से, ये मेरे अपने दांत हैं, मैंने कोई दांत नहीं लगवाए, सब कुछ फिल हो चुका है. एक साल का लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन ऑनेस्टली पता भी नहीं चला. इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड. आई हाईली हाईली रिकमेंड डेंटल एस्थेटिक्स. उन्होंने मुझे जो बताया था, मैं बहुत डर रही थी टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट इट ऑल वर्क आउट सो वेल फॉर मी, एंड आई एम जस्ट द हैप्पीएस्ट. मैं मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ. अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं और आप लोग कन्फ्यूज़ हैं और आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, लुक एट मी, मैंने आप लोगों के सामने पूरी जर्नी शेयर की. दांत जो होते हैं ना, वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी स्माइल एक आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है दूसरे बंदे के ऊपर. उसका प्यारा होना बहुत ज़रूरी है. मेरे नज़दीक मेरे दांत ओवर क्राउडेड थे. आई वॉज, मतलब क्योंकि मैं वीडियोज़ भी बनाती थी तो शायद मुझे खुद वो बहुत ज़्यादा महसूस होता था. इसके अलावा मेरी बाइट के भी मसले थे, मेरे दांत बार बार मेरी स्किन मेरे दांतों के अंदर आती थी. तो आई मीन आई कैन टोटली नॉट ओनली सी द डिफरेंस बट फील द डिफरेंस टू. हर कोई मेरे दांतों की तारीफ करता है. अब अलाइनर्स का सिलसिला ख़त्म हो चुका है. एक साल इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट. और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, मिसाल अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट डिफरेंसेस, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता है मैं कभी कोई गलत प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करती किसी गलत जगह को. मुझे पूरा साल लगा आप लोगों को बताने में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहले खुद देखूँ क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है. तो आई मीन आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक आई हैव टू शेयर विद यू गाइस एंड आई एम नॉट पेड बाय इट बाय द वे. मैंने अपने पूरे प्रोसेस के लिए पे किया है, और बट बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस थे, तो आई नो दैट यू कैन नॉट बीट दीज प्राइसेस एनीवेयर एल्स. बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ, बिल्कुल जैसे आप लोग अमेरिका यूरोप वगैरह में जैसे अपने डेंटल के जो भी मसले हैं सॉल्व करवाते हैं, इसी तरह डेंटल एस्थेटिक्स आपकी हेल्प करते हैं. सो आई हाईली रिकमेंड इट एंड गो फॉर इट. वो लोहे की ब्रेसेस पहनने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्लियर ब्रेसेस हैं, यू विल लाइक इट, हाईली रिकमेंड.